how to fix Sandesh app profile updation failed error problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेशन फेल्ट और उसके बाद एरर भी है। यानी कि दोस्तों, जब हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं, मान लीजिए आप नेम चेंज कर रहा है, जेंडर चेंज कर रहा है, प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त दोस्तों क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे एरर आ जाते और प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाते और एरर आ जाते। तो इसको कैसे फिक्स करना है, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊँगा कि बेसिकली रीज़न या फिर प्रॉब्लम किस वजह से आते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन करने से पहले बेसिकली ये जो एक प्रॉब्लम है, ये जो एरर है, वो डेटा कनेक्शन की वजह से आते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, हमारा जो डेटा कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। हम इनेबल करके रखते हैं डेटा कनेक्शन को, लेकिन वो अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं करते, तो उसके वजह से भी हो जाते हैं कभी कभार। और नेटवर्क ज़्यादा जो है, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा जो है स्लो डाउन रहते हैं या फिर उसका सर्वर जो है डाउन रहते हैं, तो उस वक्त हमें इस तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सॉल्यूशन जो है नेट कनेक्शन को करना होगा, नेट कनेक्शन फिक्स करना है। उसके बाद फिक्स होता है प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आपको ऐप सॉल्यूशन भी करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना होगा। सेटिंग पर जाइए, फ्लाइट मोड एक बार इनेबल कर दीजिए, एक मिनट वेट करके डिसेबल कर दीजिए। एंड देन दोस्तों ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाके डेटा कनेक्शन अगर ऑन है तो बंद करके ऑन कीजिए, अगर बंद है तो एक बार ऑन करके ऑफ करके ऑन कीजिए। उसके बाद अपना सिम को सेलेक्ट करें, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाए, नेटवर्क को स्विच करें बिटवीन 3G एंड 4G के बीच में, जो भी नेटवर्क आपके एरिया के हिसाब से अच्छा आ रहा है वही आप यूज़ करें। और उसमें जाने के बाद, ठीक है, नेटवर्क स्विच कर देने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क फिक्स करने के लिए आप मोबाइल के जो सिम है उसको इजेक्ट करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो भी फिक्स हो जाते हैं। तो आप एक बार नेटवर्क कनेक्शन को फिक्स कीजिए, एंड देन दोस्तों जाइए संदेश ऐप पर एंड प्रोफाइल अपडेट करने की कोशिश करें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली। अगर नेटवर्क के वजह से इशू आ रहा है तो ये 100% काम करेगा, लेकिन मान लीजिए ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी भी आ रहा है, तो आप एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करके देखें मोबाइल पे कि नेटवर्क कनेक्शन जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अच्छे से। नेटवर्क कनेक्शन काम कर रहा है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो जाइए मोबाइल सेटिंग पे एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे में जाइए, ऐप मैनेजमेंट मैनेज ऐप या फिर इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है आपका संदेश ऐप, संदेश या फिर जिम ऐप। तो उसमें जाने के सारे साथ डेटा यूजर्स डिटेल में क्लिक करें, और उसके बाद आपको नेटवर्क परमिशन जाके चेक करना है। नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन आप कह सकते हैं, डेटा रिस्ट्रिक्शन, तो वाईफाई एंड मोबाइल डेटा ये दोनों इनेबल होना चाहिए, और अगर ऑन है तो एक बार बंद करके उसको रिकनेक्ट करके देखिए, ठीक है, क्लोज कर दीजिए एंड इसको दोबारा से इनेबल कीजिए, और उसके बाद एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, अपडेट करने की कोशिश करें आपके प्रोफाइल, सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है। अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, स्टोरेज यूजर्स पर जाना है, बैकअप वगैरह लेना है तो ले लीजिए, क्लियर डेटा कर दीजिए। क्लियर डेटा करने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक कीजिए, ठीक है। डेटा क्लियर होने के साथ ही साथ सारे परमिशन आपका अलाउ होना चाहिए, और जैसे कि डेटा यूजर्स डिटेल है वो भी परमिशन इनेबल होना चाहिए। एंड देन दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए जाइए अपने जिम्स ऐप पर, यानी कि संदेश ऐप पर, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बाय एनी चांस ऐप को रीइंस्टॉल कर लीजिए, अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कीजिए, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।